अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूँ इमरान, रिवर रॉक फिशिंग टैकल्स कुरुंदवाड़। तो हर बार की तरह मेरे पास आज भी कुछ आइटम आए हुए हैं, वो आज आपको मैं शो करने वाला हूँ। तो उससे पहले थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे को कॉल मत कीजिए, व्हाट्सअप पर मेरा नंबर है, इधर व्हाट्सअप पर, ये मेरा नंबर पर व्हाट्सअप है, इस पर आप मेरे को हाय भेज दीजिए। आप हाय भेजने में अपना मेरा पूरा कैटलाग भेज दूँगा, उसमें सब मेरे फ़ोटो डले हुए हैं, मस्जिद जो मेरे पास आइटम शॉप में अवेलेबल है, अभी करंटली जो अवेलेबल है उनके फ़ोटो डले हुए हैं और उनका रेट भी डला हुआ है। तो आप उसमें से चॉइस करके एक कार्ड बना के या मेरे को उसका पूरा लिस्ट बना के, या तो आप एक कागज़ पे पूरा उनका नाम जैसा आपके आपको जैसा समझ में आए वैसा लिस्ट बना के फ़ोटो मार के भेज दो, तो उस हिसाब से मैं आपका बिल बनाऊंगा। बिल बना के उस पर आपका आपको उसका शिपिंग चार्जेस का तो आपको फ़ोटो मार के भेजूंगा। फिर आपको रेट सही लगे तो आप मेरे को पहले गूगल पे या फ़ोनपे करना पड़ेगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। फिर गूगल पे पूरा पेमेंट आने के बाद मेरे को स्क्रीनशॉट आप भेजना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद मैं आपका माल निकाल के आपको रिसीट भेज दूँगा। तो ज़्यादा कॉल मत कीजिए, ओनली व्हाट्सअप पे थोड़ा मेरे को ज़्यादा चाहिए, क्योंकि व्हाट्सअप पे कॉल उठाने के लिए मेरा फ़ोन कंटिन्यू साइलेंट रहता है, और क्योंकि मेरा काउंटर पे बहुत कस्टमर रहते हैं, मेरा काउंटर सेल बहुत है, इसलिए मेरे को ऑनलाइन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान, मगर ऑनलाइन का भी कस्टमर मेरे को करना है, मगर क्या करें, ये काउंटर सेल तो देखना पड़ता है हमको। तो काउंटर सेल में हम थोड़ा ध्यान ज़्यादा है, क्योंकि आदमी हमारा मैनेजमेंट थोड़ा कम पड़ रहा है, इतना हमारे को काम लोड है काउंटर पर, क्योंकि मेरे बहुत सारे बिज़नेस है। एक्चुअली मेरा फिशिंग नेट्स का भी बहुत बड़ा बिज़नेस है और फिशिंग का भी, तो फिशिंग नेट्स का अभी तो बहुत ज़ोर से सीज़न चल रहा है, तो उसमें हम बहुत बिज़ी हो गए, वन टाइम बहुत इतना लोड आया कि हम काउंटर पर अभी 4-5 आदमी हो कि भी हम कवर नहीं पा रहे, इतना हमको काउंटर पर लोड है। ठीक है, तो आज के लिए मैं थोड़ा मेरा आइटम दिखाता हूँ। आज मेरे पास ये रील आया हुआ है, फिशर किंग बाइक कास्टिंग रील, सी कास्ट 350 SS SC 350 LPL। ये रील मेरे पास अभी नेक्स्ट थर्ड टाइम आया हुआ है और ये बहुत चल रहा है, अच्छा रील है। और इसकी इस खासियत क्या है इसकी रील की, ये लाइन कैपेसिटी ज़्यादा है, बाइट कास्टिंग रील है और इसकी लाइन कैपेसिटी ज़्यादा है। इसके साथ एक नॉब एक्स्ट्रा हैंडल दिया हुआ है, टू पीस वाला, और सिंगल हैंडल भी है। ये रील आप बहुत अच्छी है और मार्केट में इसके रिव्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं, ये खास फिशर किंग वालों ने बनाया है। और मेन इसका सबसे अच्छा पॉइंट इसकी लाइन कैपेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादातर बाइट कास्टिंग की लाइन कैपेसिटी कम रहती है, मगर इसको इसने लाइन कैपेसिटी ज़्यादा दी है, मतलब इसको आप बड़े शिकार के लिए भी खेल सकते हैं, स्नेकर के लिए भी खेल सकते हैं। और ज़्यादा उतना वेट नहीं है, थोड़ा वेट है मगर इतना भी नहीं है। और स्कार फिशिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं या स्नेकर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका ड्रैग है 15 kg। ये नेक्स्ट टाइम मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था लेफ्ट राइट में आया था, अभी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों भी मेरे पास अवेलेबल है, ये राइट हैंड में है और ये लेफ्ट हैंड में है, ये दोनों साइज दोनों मॉडल में मेरे पास अवेलेबल है। राइट हैंड के लिए थोड़ा इनका नाम कुछ तो चेंज हुआ है, एक्चुअली फिशर किंग का ही है मगर अभी इनका कुछ अलग नाम से आया हुआ है। तो इनका ये दोनों 15 kg ड्रैग में है, इस पर दिया है इन्होंने शायद 18 kg, मगर मैं 15 kg बता दूँगा, देखिए ठीक है 18 kg। देख इसका ये राइट हैंड का ये कुछ तो कंपनी है इसका कुछ, आप देख लो। तो ये मॉडल है, इसका रेट है 3,500 रुपया, 3,500 रुपया फिशर किंग सी कास्ट बाइट कास्टिंग। इसका अंदर कम से कम 200 मीटर के आसपास लाइन कैपेसिटी है इसकी, तो आप इसको बुक कर सकते हैं, मेरे पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों में अवेलेबल है अभी, 3,500 में आपको ये मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में मेरे पास लुकाना टोर्नेडो TD 6000, ये एक रील आया है मेरे पास, आके बहुत दिन हुआ मगर मेरे पास वीडियो बनाने का मौका नहीं था, तो मैंने अभी डाल रहा हूँ व्हाट्सएप पे, मेरा डाला हुआ है ये लुकाना टोर्नेडो। तो इसका रील ऐसा आता है, देखो ये इसमें मेरे पास 5000 6000 दोनों अवेलेबल है, ये देख लो लुकाना टोर्नेडो 6000, इसमें मेरे पास 6000 भी अवेलेबल है, 5000 भी अवेलेबल है। ये लुकाने नया रील लॉन्च किया है और इसका ड्रैग कैपेसिटी 15 kg दिया है, देखो ड्रैग कैपेसिटी 15 kg है, वेट इसका 390 ग्राम है, 7+1 बॉल बेरिंग है, एल्युमिनियम हैंडल विथ युवा बिग नॉब। ठीक है, इसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको व्हाट्सएप पे डाला हूँ, उधर भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो इसका रेट आता है, इसका रेट है 1 मिनट, इसका रेट है 5000 का रेट है 2500 रुपया, 2500 का, और टोर्नेडो 6000 का रेट है 2600 रुपया, 2600 रुपीज़ रेट है इसका MRP है कंपनी की। तो ये इसका ड्रैग क्वालिटी अच्छा है और उसका लाइन कैपेसिटी भी अच्छा है, तो आप ये कार फिशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और स्नेकर के लिए भी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा वेट भी नहीं है, 5000 तो स्नेकर दोनों के लिए भी चल जाएगा और ये कार फिशिंग के लिए भी चल जाएगा। और इसका ड्रैग कैपेसिटी बहुत, 15 kg का ड्रैग है,
मैं अभी कभी चेक नहीं किया, पर्सनली किया था अभी, कितना कड़क है इसका सच में ड्रैग कैपेसिटी, बहुत हीवी है, देखो जरा भी नहीं हिल पा रहा हूँ। ठीक है, इसका रेट है 2600 रुपया। इसके बाद में मेरे पास ये रिकी मारू के ब्रेडेड लाइन है, एटेक्स में रिकी मारू एटेक्स प्रो का ब्रेड लाइन आया है। ये मेरे पास एक 150 मीटर और 300 मीटर दो साइज में अवेलेबल है, 150 मीटर और 300 मीटर ये दो साइज में। इसका रेट है 150 मीटर का रेट है 550 रुपया, और 300 मीटर का रेट है 1100 रुपया। रिकी मारू एटेक्स ब्रेडेड लाइन, रिकी मारू के ब्रेडेड लाइन बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं, तो ये भी आप बुक कर सकते हो, बहुत अच्छा लाइन है। मैंने इसका रिव्यू भी मार्केट में देखा है, तो अच्छा लाइन है, आप एक नंबर आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में अपने पास कुछ रॉड आए हुए हैं, तो रॉड से निकलने से पहले मैं ये दिखाता हूँ अपने पास, ये फ़िश कीपिंग नेट है। ये फ़िश कीपिंग नेट मैं बहुत साल से इसका बिजनेस कर रहा हूँ, ये मेरे पास ये एक्चुअली इसका मैं मेन पर्पज़ ये हमारा खुद का प्रोडक्शन है, हम खुद बनाते हैं, ये मार्केट से किधर से भी नहीं लाते, हम खुद बनाते हैं, मतलब नेट्स ला के हम बनाते हैं और बड़े साइज में हम बनाते हैं। देख लो ये कम से कम इसके अंदर 20-25 किलो मच्छी आप कैरी कर सकते हो। ये देखो कम से कम 2.5 फिट का, मतलब 30 mm का है, 30 mm का विड्थ है, और 30 mm इसकी खींचने के बाद इतना 30 इंच 30 इंच का इसका विड्थ है, 30 इंच का हाइट है। ठीक है, इसके अंदर 25 किलो मच्छी आप कैरी कर सकते हो, ये हमारा खुद का प्रोडक्शन है, ये आपको मिलेगा 120 रुपये में। और दूसरी बात, ये आपको होलसेल में भी हमारे पास अवेलेबल है, फुल क्वांटिटी में जितना बोलो उतना मिल जाएगा, 50, 100, 200, 300, 300 पीस कितना चाहिए थे, अपने पास फुल स्टॉक अवेलेबल है, रेडी स्टॉक, ये हमारे पास होलसेल में मिलेगा। ठीक है, ये हम खुद बनाते हैं। इसके बाद में हमारा खुद का प्रोडक्शन ये रॉड भी है, रॉड कवर, ये रॉड कवर भी हम खुद बनाते हैं, ये रॉड कवर ये हमारा खुद का प्रोडक्शन है। ये देखो जो मार्केट में रॉड कवर आते हैं उनकी कीमत कम से कम 250-300 के रेंज में आता है, ये हमने 180 रुपये में बनाया, देखो खाली, और एकदम हेवी क्वालिटी का कपड़ा यूज़ किया है। देख लो इसका स्टिचिंग का थोड़ा लोकल प्रोडक्शन है, मगर काम करने के लिए बहुत मजबूत है, पूरा वाटरप्रूफ का इसका क्लॉथ आता है और हेवी आता है। इसमें अभी मेरे पास एक ही कलर अवेलेबल है और ओनली 8 फीट में अवेलेबल है। देखिए 180 रुपये में ये हेवी रॉड कवर है, तकरीबन 4-5 साल तो कुछ नहीं होगा ऐसा ये कपड़ा हमने यूज़ किया है। आज इसके मार्केट में देखने को तो 200-300 के ऊपर के रेंज के ये रॉड कवर आते हैं, तो ये हमने खुद बनाया इसलिए 180 रुपये में निकाला है, वैसे तो 200 के आसपास ही जाता है हमारा, तो मगर हमने ये थोड़ा कम रेट में ही निकाला है। ये 8 फीट पे अवेलेबल है 180 रुपया। ठीक है, इसमें अभी हैंडल वाला भी बनाना चालू है हमारा, तो वो भी बन जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। तो इसका नीचे हमने साइड में दो अपने गाड़ी को बंधने के लिए भी दो धागे लगाए हुए हैं, तो इसको ये होलसेल में भी आपको मिल जाएगा, जो जिसको इसको शॉप में बेचने के लिए चाहिए वो होलसेल में भी ले सकते हैं। ये भी फुल क्वांटिटी में अवेलेबल है, ओनली 8 फीट में अवेलेबल है मेरे पास, तो ये आप रिटेल में 180 रुपये रेट गिरेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये पॉप अप रेडी हुक ये भी हम खुद बना रहे हैं, ये मैं पहले मार्केट से लाता था, अभी हम ये खुद बनाते हैं। हाँ, थोड़ा लोकल हैंडमेड है, मगर काम करता है, फुल काम करता है, ऐसा कुछ नहीं कि दिखने में कुछ नहीं आता, काम करता है। इसका पूरा हुक हवस का यूज़ किया है हमने, ओ रिंग डाला हुआ है, 12 mm का थर्माकोल पॉपअप है, और ब्रेडेड लाइन हम 45 mm 50 mm की 4x की यूज़ की है। अगर 80s की चाहिए तो 80s की भी 35 mm की यूज़ कर रहे हैं हम, वो भी मिल सकती है। इसका रेट ओनली 40 रुपये है रेट इसका, 40 रुपीज़। ये हमारा लोकल हैंडमेड है, क्लियर बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कंपनी जैसा नहीं, फिनिशिंग थोड़ा इधर उधर होगा, मगर क्वालिटी ज़बरदस्त है। इस पर शिकार हमारे इधर बहुत, मतलब बहुत शिकार हो रहा है, क्योंकि हम अभी इतना बेच रहे हैं, तो अभी हम क्वांटिटी बना के ये होलसेल में भी हम दे रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे पास होलसेल में भी अवेलेबल है, फुल क्वांटिटी में है, कितना भी 50, 100, 200, 300, 1000 पीस मगर तैयार में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मेन बात होता है, हम हवस का यूज़ कर रहे हैं, कोई चाइना हुक यूज़ नहीं कर रहे, हवस का ही यूज़ कर रहे थे, और उसका ओ रिंग डालते हैं। बाकी पहले हम इसमें रिफिल का जुगाड़ डालते थे, अभी ओ रिंग भी हम क्लियरली ओ रिंग डालते हैं, दिखाता हूँ आपको ओ रिंग, आपको दिमाग समझ में आएगा। ये देख लो, ये ओ रिंग करके आता है ना, ये मेरे पास रिटेल में भी अवेलेबल है, ये देखो गोल, ये सब अपने पास का सब पार्ट रिटेल में मिल जाएगा हमारे पास, ये धागा, ये स्प्रिंग, ये बॉल, ये ओ रिंग, हाउस हुक, अपना स्टॉपर वगैरह सब मिल जाएगा रिटेल में भी और होलसेल में भी मिल जाएगा, जो चाहिए तो बुक कर सकते हो। इसके बाद में हमारे पास अभी मेरे पास
ये रॉड कुछ आए हैं वही दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास पाइनियर के कुछ रॉड आए हुए हैं, ये बहुत दिन से कम मेरे पास महीना भर माल नहीं था। पाइनियर फायर ये बेस्ट सस्ते में मस्त माल है, मतलब कम रेट में अच्छा क्वालिटी रॉड है, ठीक है। पाइनियर फायर ये रॉड का बहुत इंतज़ार था क्योंकि हमारे इधर बहुत फेमस रॉड है और मेन बात को उसका रेट कम है और क्वालिटी बहुत अच्छा है। पाइनियर फायर हमारे इधर इतना फेमस है कि रॉड मेरे जाते ही बिक जाते हैं, इतना रॉड अभी चल रहा है। और पाइनियर तो कंपनी बहुत अच्छे क्वालिटी माल बनाती है और अच्छा रेट भी दे रही है इसका। ये देखिए ये अभी 8 फीट में मेरे पास, इसमें पाइनियर फायर में 6 फीट अवेलेबल है, 7 फीट अवेलेबल है, 8 फीट, 9 फीट, ये चारों साइज़ में मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल है, ये आप ले सकते हो। और रॉड बहुत अच्छा है, मजबूत है, स्टार्टअप के लिए, बिगिनर के लिए, या प्रो एंगलर भी खेल सकते हैं, खेल लेते हैं हमारे इधर, इतना अच्छा रॉड है। तो आप इसका हर की कैपेसिटी का डिस्क्रिप्शन में पूरा नहीं बता क्योंकि सब 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट, 9 फुट, तीनों साइज़ का है। अभी 8 फुट का बताता हूँ, इसका लोअर कैपेसिटी 40 to 80 ग्राम है, 40 से 80 ग्राम इसका लोअर कैपेसिटी है। लिफ्टिंग कैपेसिटी 4.5 to 9 kg तक लिफ्टिंग कैपेसिटी 8 फीट रॉड की, ठीक है। बाकी का भी मैं फोटो व्हाट्सएप पर डाल दूंगा तो आप उधर भी देख सकते हो। तो इसका रेट बताता हूँ आपको, मेरे का पाइनियर फायर 6 फीट का रेट आता है, देखो 1000 रुपया। पाइनियर फायर 6 फीट का रेट 1000 रुपये है, 7 फीट का रेट है 1200 रुपया, 1250 रुपया, 8 फीट का रेट है 1300 रुपया और 9 फीट का रेट है 1600 रुपया, समझे। 6 फीट का रेट है 1000, 7 फीट का रेट है 1250 रुपीज़, 8 फीट का रेट है 1300 एंड 9 फीट का रेट है 1600, ओके। पाइनियर फायर इसके बाद में मेरे पास पाइनियर क्लासिक स्पिन, ये भी सेम पाइनियर फायर जैसा ही रॉड है, थोड़ा क्वालिटी कलर में कुछ अलग फर्क है कंपनी को पता, मगर सेम क्वालिटी, सेम रेट, सेम काम, सस्ते में कम रेट में अच्छा काम, कम दाम में अच्छा काम है। पाइनियर क्लासिक स्पिन पाइनियर, तो इसमें भी है जैसा ही फायर जैसा ही मेरे पास सब ऑल साइज़ में अवेलेबल है, 6 फीट में अवेलेबल है, 8 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, ये चारों साइज़ में पाइनियर क्लासिक स्पिन का भी रॉड मेरे पास आपको मिल जाएंगे। तो उसका भी रेट सेम ही आएगा, 6 फीट का 1000 रुपया, 7 फीट का 1250, 8 फीट का 1300 और 9 फीट का 1600। तो पाइनियर क्लासिक स्पिन ये भी अपने पास फुल स्टॉक में आया हुआ है, आप बुक कर सकते जल्द से जल्द, ठीक है। इसके बाद में पाइनियर ने दो रॉड नए लॉन्च, एक नया रॉड लॉन्च किया है, पाइनियर गो फिशिंग, पाइनियर गो फिशिंग ये भी एक नया रॉड कम रेट में लॉन्च किया है कंपनी ने, मतलब अभी देखेंगे कैसा इसका रिव्यू, अभी मेरे को भी पता नहीं। तो ये देखिए गो फिशिंग करके रॉड आया है मार्केट में, ये भी मैं ये मेरे पास ओनली 8 फीट में अवेलेबल है, मैंने सैंपल के लिए बना मंगाया है क्योंकि देखेंगे आगे रिव्यू जैसा आएगा वैसा उसको क्वान्टिटी मंगाएंगे। वो रॉड तो क्लासिक फायर तो अपना कंटिन्यू डिमांडिंग रॉड है, उसको कुछ मैंने वो क्वान्टिटी मंगा के लिया है, तो ये सैंपल में 8 फीट में मंगाया है, देखेंगे अभी रिव्यू कैसा आता है। तो ये 8 फीट में अवेलेबल है, इसका कास्टिंग वेट देखो, इसका कास्टिंग वेट कुछ ऐसा दिखा नहीं, क्या लिफ्टिंग वेट इसका 3.6 to 7 kg का है, कास्टिंग वेट कुछ इसमें क्लियर बताया नहीं। तो इसका रेट थोड़ा कम है, इसका रेट 1250 रुपये रेट है, 8 फीट में गो फिशिंग 1250, ठीक है। तो आज के लिए तो मेरे पास इतना ही है, अभी बहुत सारे आइटम है मेरे को अभी वो भी दिखाना है, मगर अभी वन टाइम वीडियो ज़्यादा बनाऊंगा तो बहुत सारे आइटम में वन टाइम में बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तो सभी के लिए गुजारिश है कि अपना मेरे चैनल को अपना हमेशा बेल आइकॉन ऑन रखिए ताकि मेरे पास जो भी वीडियो आए आपको डायरेक्टली पहले पता चले। तो मेरे पास जो भी आप माल आता है आपको समझ में आए कि मेरे पास क्या क्या माल आ रहा है, जो आप बेल आइकॉन का ऑन रखिए। उसके बाद में अपने जो एंगलर ग्रुप है उसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है, थैंक्स।